तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस आती थी केयर वर्कर वीजा के लिए उसमें काफी ज्यादा ड्रास्टिक डाउनफॉल देखा जा रहा है इसका मेजर रीजन है डिपेंडेंट्स uh, का बैन हो जा रहा है केयर वर्कर वीजा पे और क्योंकि यूके में अभी भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है केयर सेक्टर में तो हो सकता है ये जो बैन है वो नियर फ्यूचर में हटा दिया जाए अब जब से ये नया रूल अनाउंस हुआ था तब से काफ़ी सारे uh, जो माइग्रेंट फ्रेंडली कंपनीज होती हैं जो लोग हैं वो काफी सारा uh, प्रोटेस्ट कर रहे थे यूके में भी और ऐसी एक माइग्रेंट फ्रेंडली कंपनी ने अब एक लीगल केस फाइल कर दिया है इस रूल के अगेंस्ट तो क्या केस फाइल किया गया है किस बेसिस पे फाइल किया गया है और इसके आउटकम का केयर वर्कर्स पे क्या इंपैक्ट होने वाला है ये आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा

पार्टनर्स टू द यू के वॉर्निंग दैट इट इज टेयरिंग फैमिलीज अ पार्ट तो बहुत सही बात बोली गई है इसमें कि अगर आप किसी केयर वर्कर को अपनी कंट्री से यूके में बुलाते हो तो आप और आप बैन कर देते हो कि आप उस, अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते आप अपनी वाइफ को नहीं ला सकते आप अपने हस्बैंड को नहीं ला सकते और आप अपने चिल्ड्रन को भी नहीं ला सकते तो आप बेसिकली फैमिलीज को आप सेपरेट कर रहे हो आप जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स से भी सेपरेट कर रहे हो

तो आइदर आपको अपनी जॉब चूज करनी है या फिर आपको अपनी फैमिली चूज करनी है आप दोनों नहीं कर सकते हो द पॉलिसी विच टूक इफेक्ट लास्ट मंथ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट अ टाइम व्हेन द वैकेंसी रेट इन द अडल्ट सोशल केयर फोर्स इज एट ऑलमोस्ट टेन परसेंट एंड द होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली सेड दैट द चेंजेस हैड बीन मेड टू टाइटन अप हाई लेवल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस एज वेल एज एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज इन द केयर सेक्टर अ रिपोर्ट फ्रॉम द माइग्रेशन एडवाइजरी कमिटी एस्टीमेटेड दैट टू लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड फुल टाइम केयर स्टाफ वुड बी नीडेड अक्रॉस द यूके इन नेक्स्ट 11 ईयर्स तो ये एक काफी अच्छा स्टैट्स है जो इन लोगों ने अपने केस में पब्लिश किया है तो आपने पहले भी मेरे वीडियोस में सुना होगा दैट देर इज अ माइग्रेशन एडवाइजरी कमिटी और मैक जो काफ़ी सारे इमीग्रेशन रूल्स को इमीग्रेशन पॉलिसीज को रिव्यू करती है अभी वो ग्रेजुएट वीजा रूट को भी रिव्यू कर रही है तो इस कमिटी ने ही ये स्टैट्स पब्लिश किए हैं कि आने वाले कुछ 10-11 साल में यूके में केयर सेक्टर की फील्ड में दो लाख से भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने वाली है तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस स्टैटिस्टिक्स की केयर वर्कर की काफी ज्यादा शॉर्टेज है अभी भी यूके में रिपोर्ट टू द कॉमन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लास्ट मंथ फाउंड देवर वन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड वेकेंसीज इन द केयर सेक्टर अन पॉइंट नाइन वेकेंसी रेट तो मैंने ये स्टार्ट आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाए थे कि अभी भी केयर सेक्टर में ऑलमोस्ट डेढ़ लाख वेकेंसीज हैं और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती थी केयर वर्कर वीजा के लिए पिछले आ, काफी सालों में अगर उसको कंपेयर करोगे आप इस साल से तो उसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखा जा रहा है आपको अगर एग्जैक्टली exactly जानना है क्या डाउनफॉल है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं रिपोर्ट सेट चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एट टाइम वन सोशल केयर वर्क फोर्सेज शॉर्टेजेस आर प्रोफाउंड कंसर्न और ये लोग ऐसे टाइम पे इतना सारा चेंज लेकर आ गए हैं जब सोशल केयर जो यहाँ पे सेक्टर है उसमें इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है इतना सारा शॉर्टेज है और इस टाइम पे इन्होंने जो केयर वर्कर के डिपेंडेंट्स हैं उनको बैन कर दिया है तो इससे गवर्नमेंट को और यहाँ की जो वेकेंसीज हैं उनको फिल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ेगी द लीगल एक्शन आर्ग्यूज दैट द पॉलिसी इज डिस्क्रिमिनेटरी ऑन वेरियस ग्राउंड इंक्लूडिंग सेक्स रेस एंड इज ए ब्रीच ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्वालिटी ड्यूटी एंड दिस इज द बेसिस ऑफ दिस लीगल केस जो ये रूल्स बनाए गए हैं जो ये बैन किया गया है डिपेंडेंट्स को चिल्ड्रन को ये सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी रूल है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस तो केयर सेक्टर में जो काम लोग करते हैं उनको एज अ ह्यूमन नहीं ट्रीट किया जा रहा है उनको एज अ ह्यूमन उनकी फीलिंग्स को ट्रीट नहीं किया जा रहा है ए के एच द फाउंडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ माइग्रेंट्स एंड वर्क सेट द होम ऑफिसर्स चेंजेस टू द हेल्थ एंड सोशल केयर वीजा विल फर्दर एक्सेरबेट द स्टाफ शॉर्टेज इन द अडल्ट सोशल केयर वर्क पोस्ट और तो बेसिकली इसमें ये हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि जितनी आपको एज अ केयर वर्कर यहाँ आने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा यूके को जरूरत है आपकी क्योंकि इतनी सारी जॉब एकेसीज हैं बट उनको फिल करने के लिए लोग नहीं है तो इट्स सॉर्ट ऑफ क्राइसिस सिचुएशन इसमें यूके को ज्यादा जरूरत है लोगों की The new rules will not allow them to do both. We have also seen cases where prospective care workers have been told they have to leave the UK since the new rules have come in on the basis that the children are not permitted to stay in the UK as a dependents. The new rules are already tearing families apart, and the impact on the wider care sector will be disastrous. तो जो ऑलरेडी यूके में लोग थे सपोज आप स्टूडेंट वीजा पे थे आप स्टूडेंट वीज़ा पे अलाउड थे अभी तक डिपेंडेंट्स को अपने साथ रखने के लिए आप स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पर आए अपने डिपेंडेंट्स और अपने बच्चों के साथ और अब आप केयर वर्कर वीजा में अब आप स्विच करना चाहते हो बट आप जब आप केयर वर्कर वीजा में स्विच करोगे तो आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में नहीं रख सकते हो उनको वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा और इसका काफी ज्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ा है अब लोग केयर सेक्टर्स में काम नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो केयर सेक्टर में यहां पे थे और जिनके जिनके पास जॉब नहीं थी काफी महीनों से और उनको होम ऑफिस से लेटर आ गया था कि उनको अब वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा जेरिमी ब्लूम सोलिसिटर डंकन लुए रिप्रेजेंटिंग माइग्रेंट्स एंड वर्क एट द होम ऑफिस स्टिल हैड द अपॉर्चुनिटी टू डिज द न्यू रूल्स एंड सेव ऑन द एक्सपेंस ऑफ लिटिगेशन तो जो लॉयर हायर किए गए हैं सॉलिसिटर्स हायर किए गए हैं उनका यह कहना है कि अभी भी जो होम ऑफिस है वो इस रूल को हटा सकती है बैन को हटा सकती है और ये अपना केस वापस ले लेंगे तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इन फ्यूचर इन कमिंग नियर फ्यूचर जो केयर वर्कर्स पे बैन लगा था डिपेंडेंट्स पे वो हट जाएगा He added, "We haven't सीन एनी एविडेंस द होम ऑफिस हैज प्रॉपर्ली properly द इंपैक्ट दैट दिस विल हैव ऑन पीपल कमिंग टू द यूके ऑन हेल्थ एंड सोशल केयर वीजाज ऑन द the vulnerable हु नीड need टू to सोशल केयर और ऑन द wider सिस्टम ऑफ सोशल केयर तो ये भी एलिगेशन्स लगाए जा रहे हैं कि जब ये रूल बनाया गया था तो सिर्फ जो माइग्रेशन था काफी बढ़ गया था उसको कट करने के लिए इन लोगों ने बिना फ्यूचर को फोर्स ही किए रूल्स बना दिए हैं क्योंकि क्लियरली ये सोचा नहीं गया था कि केयर सेक्टर में जो इतनी सारी जो डिमांड्स हैं उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और अब जो इतना ड्रास्टिक डाउनफॉल देखा जा रहा है जो केयर वर्कर की एप्लीकेशन में उससे ये काफी ज्यादा एविडेंट है कि यूके केयर सेक्टर में काफी ज्यादा क्राइसिस आने वाला है अ गवर्मेंट स्पोक्स पर्सन सेड केयर वर्कर्स मेक अ वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी बट इमिग्रेशन इज नॉट द लॉन्ग टर्म आंसर टू आर सोशल नीड्स एंड एस्टिमेटेड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिपेंडेंट्स कंपनी वन लाख केयर वर्कर्स इन द ईयर एंडिंग सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दीज नंबर्स आर अनसस्टेनेबल विच इज वाई रिफॉर्म्स आर नाउ इन प्लेस रिस्ट्रिक्टिंग केयर वर्कर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग डिपेंडेंट्स विद देम तो इस जो इन लोगों ने केस पे एलिगेशन लगाए हैं उसके रिस्पांस पे होम ऑफिस ने ये उनको जवाब दिया है कि माइग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था और ये uh, जो हाई डिमांड देखी जा रही है केयर सेक्टर में इमीग्रेशन इज नॉट एन आंसर और वो इंटरनली इस डिमांड को मीटअप करने की कोशिश करेंगे बट देन अगेन द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या इंटरनली वो इस डिमांड को मीटअप कर पाएंगे कि नहीं क्योंकि जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है कंपेरेटिवली और यूके में जो ऑलरेडी लोग हैं आयदर वो ट्रेन नहीं है केयर सेक्टर में काम करने के लिए या फिर वो करना नहीं चाहते हैं तो अब बेसिकली हमें वेट करना होगा इस जो केस किया गया है इसके आउटकम के कि क्या इसका आउटकम आता है क्या होम ऑफिस फिर से अग्री कर लेती है कि इस बैन को वो हटा देगी या फिर वो उस बैन को कंटिन्यू करती है बट व्हाट एवर बी द सिचुएशन व्हाट एवर बी द आउटकम ऑफ दिस केस ये काफी ज्यादा एविडेंट है कि केयर सेक्टर में बहुत सारी डिमांड है और आज नहीं तो इन न्यूअर फ्यूचर ये जो बैन लगाया गया है डिपेंडेंट्स पे ये हटने की काफी ज्यादा प्रॉबिलिटी बन जाती है होपफुली आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर कुछ भी आपको डाउट है कोई भी आपको कंसर्न है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक like कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय